नमस्कार दोस्तों, ये खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को महाराणा प्रताप की 477वीं जयंती पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उनकी कार्यशैली पर तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई। योगी ने कहा, जिस कौम के अंदर अपने इतिहास को संजोने की क्षमता नहीं है, वह अपना भूगोल सुरक्षित नहीं रख सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकबर, औरंगजेब और बाबर आक्रमणकारी थे। जितनी जल्दी हम इन सच्चाई को स्वीकार कर लें, हमारे देश की सभी समस्याएं का अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह तथा छत्रपति शिवाजी हमारे आदर्श हैं। हमें सदैव उनके दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। उनके स्वाभिमान और चरित्र की दृढ़ता से सीख लेनी चाहिए। योगी ने कहा कि हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच से लक्ष्य की ओर चलने पर हमें सफलता मिलती है। नकारात्मक से समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हमसे जो भी होगा, हम देश की जनता के हित में करते रहेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।